गाइज वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइज आज का हमारा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर सेकंड स्पेशली फॉर क्लास टेंथ मैथमेटिक्स। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का गाइज, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में गाइज हमारे चार पार्ट है जिसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसके चार पार्ट है। इससे पहले हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने बात की थी व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके गाइज हमारे आठ पार्ट थे या कह सकते हैं एट पार्ट थे, उनके सॉल्यूशन की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जिसके हमारे चार पार्ट होने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो गाइज शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइज ये हमारे चार क्वेश्चन हैं जिसमें हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में केवल बात करनी है कि आखिर हम इन क्वेश्चंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। तो गाइज जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें हमारे केवल दो ही क्वेश्चन हैं, और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द पिलोट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द पिलोट। तो गाइज केवल हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि जो एरिया है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो हमारा गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ है हमारी पिलोट की, वो हमारी जो ब्रेड है उसके ट्वाइस की, और उसमें एक ज़्यादा है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की। सबसे पहले गाइज इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पिलोट इज एक्स मीटर। तो गाइज जो ब्रेड्थ है हमारे पिलोट की, वो हमने लेट कर ली एक्स मीटर, एंड लेंथ इज। तो गाइज जो लेंथ है हमारी, वो ब्रेड्थ की दुगनी, तो गाइज इसका हो जाएगा ट्वाइस, तो 2x, और उसमें एक ज़्यादा, तो प्लस 1 मीटर। तो गाइज हमने ब्रेड्थ तो मान ली x मीटर, और उसके बाद में जो लेंथ है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्वेश्चन में कहता है कि जो लेंथ है हमारी वो ब्रेड्थ की दुगनी, तो 2x, और उसमें एक ज़्यादा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गाइज एरिया ऑफ अ पिलोट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिलोट, तो गाइज एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो गाइज एरिया का फॉर्मूला होता है एल इन टू बी बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो गाइज लेंथ है हमारी 2x प्लस 1, और साथ में गाइज ब्रेड्थ है जो कि हमने मानी x, और बराबर आने वाला है 528 मीटर स्क्वायर। हमें केवल बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइज इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x की इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस गाइज x की 1 में जो कि x, और बराबर में है 528 मीटर स्क्वायर। गाइज वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फाइनली 2x स्क्वायर प्लस x ये इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 528 बराबर में 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भी आ चुका है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको अगर एक बार और रिवाइज कराएं, तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, उसका हमें एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने ब्रेड्थ मानी x, क्योंकि गाइज हमें कंडीशंस गिवन है कि जो लेंथ है हमारी वो ब्रेड्थ की दुगनी, और उसमें एक ज़्यादा है, तो हमने ब्रेड्थ को तो मान लिया x। उसके बाद में जो लेंथ आएगी हमारी वो इसका दुगना, तो 2x, और उसमें एक ज़्यादा, तो प्लस 1। उसके बाद में एरिया ऑफ पिलोट हमारा होता है रेक्टेंगल का, तो गाइज पहले तो गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, उसके बाद में फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एल इन टू बी, और बराबर में रखने वाले हैं 528 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें गिवन है। इक्वेशन सोल्व की या कह सकते हैं वैल्यूज पुट की, तो लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 1, ब्रेड्थ की वैल्यू x बराबर 528 मीटर स्क्वायर, इसका करा प्रोडक्ट, तो फाइनली इक्वेशन बन चुकी है, और जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 528 और बराबर में 0। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की।
तो गाइज इसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट है गाइज हमारा। तो गाइज क्वेश्चन सेकंड है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, या कह सकते हैं वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का हमारा प्रोडक्ट है 306, तो तब हमें इसमें निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो गाइज हमारा कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो गाइज अगर हमने एक नंबर x मानते हैं तो दूसरा होता है x प्लस वन। तो गाइज बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले गाइज हम इसमें लिखते हैं लेट द टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी। तो गाइज एक नंबर x और दूसरा माना x प्लस वन, क्योंकि गाइज क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोडक्ट है हमारा दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वो हमारा है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करने वाले हैं। तो गाइज प्रोडक्ट गिवन है दोनों का, तो गाइज x और x प्लस वन, तो गाइज दोनों का प्रोडक्ट है हमारा 306, जो कि हमें डाटा अवेलेबल है अपने क्वेश्चन में। तो गाइज दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर होने वाला है 306। सिंपली गाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर जीरो, और जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो गाइज ये हमारा प्लस का 306 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का। तो गाइज फाइनली हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट था उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर जीरो, एंड विच इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो गाइज इसका आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की। तो गाइज इसके बाद है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट है जिसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की करते हैं रीडिंग। तो गाइज क्वेश्चन है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो गाइज रोहन्स की माता हैं वो उनसे कह सकते हैं रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो इसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट विल बी 360। तो गाइज अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो होने वाला है 360। तो गाइज हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है वो उनसे 26 ईयर्स ओल्डर है देन हिम, या कह सकते हैं रोहन से 26 साल बड़ी है। उनकी जो एज का प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो होगा 360। तो गाइज बात करते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की। तो गाइज इसमें लेट करते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, तो गाइज रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली एक्स ईयर्स, एंड देयर मदर्स प्रेजेंट एज बी। तो गाइज कितना होने वाली है एक्स प्लस 26, क्योंकि वो रोहन से 26 साल ओल्डर है। इसके बाद गाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं, तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो सबसे पहले अब से 3 साल बाद दोनों की एज निकाले, तो आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो गाइज रोहन की जो एज होने वाली है आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, रोहन्स एज विल बी कितना होगी गाइज हमारी एक्स प्लस 3, एंड देयर मदर्स एज विल बी तो गाइज मदर की एज होने वाली है एक्स प्लस 26 और प्लस 3, क्योंकि अब से 3 साल बाद। तो गाइज जो प्रेजेंट एज हमने लेट की, रोहन की प्रेजेंट एज थी एक्स ईयर्स, उसकी मदर्स की जो एज थी गाइज हमारी वो थी एक्स प्लस 26, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके बाद गाइज अब से 3 साल बाद तो रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, और जो मदर्स एज होने वाली है गाइज एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो गाइज हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 29 और एक्स प्लस 29। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गाइज अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन बात करने वाले हैं। तो गाइज इसमें हमें गिवन है कि अब से 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 360। तो गाइज अब से 3 साल बाद रोहन की एज है हमारी x प्लस 3, गाइज मदर से एज है x प्लस 29 और दोनों का प्रोडक्ट हमारा बराबर है 360। इसको करते हैं सिंप्लीफाई और फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो गाइज x की x में तो x स्क्वायर प्लस x की 29 में, तो गाइज ये हो जाएगा 29x प्लस, तो गाइज 3 की x में तो होगा 3x प्लस, 3 की करने वाले हैं 29 में, तो गाइज ये हो जाएगा 3 9 27, 3 2 6 और 2 8 और बराबर में है 360। तो गाइज बात करते हैं इसके फाइनल आंसर की। तो गाइज एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x हमारा होने वाला है 32x प्लस। तो गाइज सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं कि इसको इस तरफ लाते हैं, तो गाइज ये हो जाएगा हमारा 87 माइनस का 360 और जो कि बचने वाला है माइनस का, तो गाइज ये हमारा माइनस का आने वाला है। तो 360 में से इसको माइनस करते हैं, तो गाइज 10 माइनस का 7 3, गाइज यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे 2, तो गाइज ये आने वाला है 273 और बराबर में 0। और फाइनली हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो गाइज थर्ड पार्ट था उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 और बराबर में 0 और जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की। तो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन था कि रोहन की जो मदर थी वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, इसके बाद 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो है 360। तो गाइज देन वी हैव टू क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो गाइज सबसे पहले हमने रोहन की प्रेजेंट एज लेट की एक्स ईयर, मदर से एज हो जाएगी हमारी एक्स प्लस 26, तो गाइज जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गाइज आफ्टर 3 ईयर्स रोहन से एज होने वाली है एक्स प्लस 3, उसके बाद में मदर से एज हो जाएगी एक्स प्लस 29। तो गाइज उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों की एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स होने वाला है 360। सोल्व किया और इक्वेशन हमारी बन चुकी है, तो गाइज इक्वेशन बनी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर में 0। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की और हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज इसके बाद सेकंड का हमारा फोर्थ पार्ट है और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 4.1। तो गाइज क्वेश्चन कहता है आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो गाइज डिस्टेंस तो हमारी सेम होने वाली है, तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि एक हमारी ट्रेन है जो कि ट्रेवल्स करती है, डिस्टेंस गिवन है हमें 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो गाइज जो स्पीड है हमारी वो यूनिफॉर्म होने वाली है या सेम होने वाली है। तो गाइज क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है अगर उसकी स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आर लेस हो जाती है तब, तो गाइज जो ट्रेन है हमारी वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती है उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन था, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो गाइज सबसे पहले इसमें हम स्पीड को लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर। तो गाइज हमने ये लेट कर लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो हमने लेट कर ली एक्स किलोमीटर पर आर। अब गाइज इसमें हमें डिस्टेंस भी गिवन है, तो गाइज डिस्टेंस है हमारी 480 किलोमीटर, तो गाइज यहाँ से निकालते हैं टाइम, तो टाइम टेकन जो कि बराबर आने वाला है, हमें पता है गाइज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो गाइज यहाँ से हमारा टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो गाइज डिस्टेंस है हमारी 480 अपॉन गाइज स्पीड है हमारी एक्स जो कि हमने यहाँ पे लेट की। इसके बाद गाइज सेकंड हमारी कंडीशन है, तो गाइज अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तो गाइज सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आर लेस कर दे, तो गाइज इसमें कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नाउ स्पीड वुड बी
स्पीड वुड बी एक्स माइनस का 8 किलोमीटर पर आर। तो गाइज पहले स्पीड थी हमारी एक्स किलोमीटर पर आर, उसके बाद में गाइज क्वेश्चन कहता है सेकंड कंडीशन में कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आर लेस कर दे, तो गाइज पहले थी एक्स, अब गाइज माइनस का 8 होगा क्योंकि 8 किलोमीटर हमारी स्पीड लेस हो गई। और गाइज अब बात करें टाइम की, एंड टाइम टेकन विल बी, या लिख सकते हो वुड बी। तो गाइज वुड बी आप यहाँ पे लिख सकते हो, टाइम टेकन वुड बी। तो गाइज क्वेश्चन कहता है कि जो टाइम है हमारा वो पहले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा हो जाएगा उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो गाइज पहले था हमारा टाइम ये वाला, तो गाइज अब जो टाइम होगा हमारा वो होगा 480/x, और गाइज इसमें 3 घंटे ज़्यादा। तो गाइज अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो गाइज स्पीड जो है हमारी वो तो 8 किलोमीटर पर आर लेस हुई, और जो टाइम है हमारा उसमें 3 घंटे हमारे मोर हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनली कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनने वाली है। तो गाइज हमें पता है कि जो गाइज डिस्टेंस होता है हमारा वो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो गाइज डिस्टेंस है हमारी 480 बराबर, गाइज स्पीड है हमारी एक्स माइनस का 8। गाइज साथ में बात करते हैं टाइम की, तो गाइज टाइम है हमारा 480/x प्लस का 3, इसके नीचे हमने 1 लेट कर लिया क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे और तभी हमारी इक्वेशन सोल्व होगी। तो गाइज अब पहले करेंगे थोड़ा सा इरेज। तो गाइज हमारा डिस्टेंस है 480 बराबर, गाइज हमारी स्पीड है एक्स माइनस 8, और साथ में गाइज हमारा टाइम है 480/x और प्लस का 3। अब करते हैं इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई। तो गाइज 480 बराबर गाइज एक्स माइनस का एट, और गाइज यहाँ पे लेने वाले हैं एलसीएम जो कि आने वाला है एक्स। तो गाइज एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे, तो गाइज ये होगा हमारा 480 प्लस गाइज एक्स से एक्स कैंसिल तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 480 में, तो 480 प्लस का साइन लगाया, उसके बाद में 1 से करेंगे तो आएगा एक्स, और एक्स ही करने वाले हैं 3 में तो हो जाएगा हमारा 3x। तो गाइज अब करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो गाइज ये x हमारा डिवाइड में है जो कि मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 480x बराबर x माइनस का 8, और गाइज ये है हमारा 480 प्लस का 3x। तो गाइज इसका करते हैं प्रोडक्ट, तो गाइज 480x बराबर x की 480 में, तो गाइज ये होगा 480x, उसके बाद में x की 3x में, तो ये होगा गाइज हमारा 3x स्क्वायर। तो गाइज माइनस 8 की इसमें करेंगे तो गाइज 8 0 0, और जो कि हमारा माइनस का आने वाला है 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32 और 6 38, उसके बाद में माइनस 8 की करने वाले हैं 3x में, तो ये होगा माइनस का 24x। तो गाइज सिंपली हम देख सकते हैं कि ये इस तरफ आके माइनस का होगा और ये कैंसिल कर जाएगा, तो गाइज तब भी हम इसको काट सकते हैं क्योंकि जब बराबर में हमारे सेम साइन के होते हैं और हमारे इक्वल फंक्शन होता है तो वो आपस में कैंसिल कर जाता है। तो गाइज सिंपली बचने वाला है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 और इक्वल में 0। तो गाइज इसको आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हो या 3 कॉमन ले सकते। तो गाइज इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, गाइज यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, और गाइज इक्वल में है हमारा 0। तो गाइज ये 3 हमारा जाएगा अपोन में 0 के, तो हमारा 0 बन जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 और बराबर में 0, और फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और फाइनली हमारा आंसर भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 4th पार्ट का, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। गाइज आज के इस लेक्चर में हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर सेकंड, तो गाइज जिसमें आज हमने बात की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके हमारे 4 पार्ट थे, हमने उसका सॉल्यूशन किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 4.2 होने वाली है। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।